गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत देखे थे। प्रबंध के सिद्धांत हेनरी फ्यूल के 14 हैं, 14 सिद्धांत जो हमने कल देखे थे। आज हम चर्चा करेंगे प्रबंध के विकास में हेनरी फ्यूल का योगदान। प्रबंध के विकास में हेनरी फ्यूल का योगदान क्या रहा? देखिए, फ्यूल एक फ्रांसीसी नागरिक थे, फ्रांस के रहने वाले थे और एक खनन कंपनी में इंजीनियर थे। यहां काम करते हुए अपने अनुभव के आधार पर प्रबंध के 14 सिद्धांतों को विकसित किया। उन्होंने कर्मचारियों की कार्य दशाओं पर, उनके व्यवहार पर शोध किया। फ्यूल ने प्रबंध की कई पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन उनमें से 1960 में फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित पुस्तक इंडस्ट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एंड जनरल हेनरी फ्यूल की पुस्तकों में से यह प्रमुख पुस्तक है, जो 1916 में फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी और पुस्तक का नाम एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, कब प्रकाशित हुई थी यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इस पुस्तक में प्रबंध के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। यह पुस्तक फ्रांसीसी भाषा में होने के कारण 1916 में फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित हुई थी। फ्रांसीसी भाषा में होने के कारण फ्यूल के विचारों को व्यापक विस्तार नहीं मिल पाया। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद 1929 में हुआ, 1929। अंग्रेजी अनुवाद किया गया, लेकिन यह अंग्रेजी का अनुवाद कुछ यूरोपीय देशों तक सीमित रहा। इसलिए फ्यूल के विचारों को व्यापक विस्तार नहीं मिल पाया। इसके पश्चात 1949 इसका अंग्रेजी अनुवाद अमेरिका में हुआ। फ्यूल ने औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को निम्न भागों में विभाजित किया है। देखिए, यहां याद रखने की बात है, बुक का नाम और सन 1916 में फ्रांसीसी भाषा में पुस्तक प्रकाशित हुई, 1929 में अंग्रेजी अनुवाद किया गया, लेकिन यूरोपीय देशों तक सीमित रहा। 1949 में अमेरिका में इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया गया। इसके बाद ही फ्यूल के विचारों को प्रबंध जगत में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। तो आपको सन ध्यान में रखनी है, पुस्तक का नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। अब देखिए, फ्यूल ने औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को 6 भागों में विभाजित किया।
औद्योगिक संगठन की क्रियाएं छह भागों में इनको विभाजित किया है। नंबर फर्स्ट तकनीकी क्रियाएं, इनमें उत्पादन से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया गया। तकनीकी क्रियाओं में उत्पादन से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया गया है। दूसरा देखिए वाणिज्यिक क्रियाएं, इन क्रियाओं में क्रय विक्रय एवं विनिमय से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया गया है। क्रय विक्रय एवं विनिमय से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया गया है। वित्तीय क्रियाएं, नंबर थर्ड वित्तीय क्रियाएं, इन क्रियाओं में पूंजी की प्राप्ति और उसका उपयोग जैसी क्रियाओं को शामिल किया गया है। पूंजी कहां से प्राप्त होगी और उस पूंजी का अधिकतम उपयोग कैसे हो सकता है, इन क्रियाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए सुरक्षात्मक क्रियाएं, सुरक्षात्मक क्रियाओं में माल और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया गया है। लेखांकन क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं, इन क्रियाओं में स्टॉक मूल्यांकन और चिट्ठा तैयार करना, स्टॉक मूल्यांकन और चिट्ठा तैयार करना जैसी क्रियाओं को शामिल किया गया है। और सिर्फ देखिए प्रबंधन क्रियाएं, इन क्रियाओं में नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण जैसी क्रियाओं को शामिल किया गया है। तो छह भागों में फ्यो ने औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को बांटा है। तकनीकी क्रियाओं में उत्पादन से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया गया है। वाणिज्यिक क्रियाओं में क्रय विक्रय और विनिमय से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया गया है। वित्तीय क्रियाओं में पूंजी की प्राप्ति और उसका उपयोग से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया गया है। सुरक्षात्मक क्रियाओं में माल और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया गया है। लेखांकन क्रियाओं में स्टॉक मूल्यांकन, चिट्ठा तैयार करना जैसी क्रियाओं को शामिल किया गया है। प्रबंधन क्रियाओं में नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण जैसी
दिमाग शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसमें स्फूर्ति होनी चाहिए। सेकंड, मानसिक स्वास्थ्य, सोचने समझने और निर्णय लेने की शक्ति। एक प्रबंधक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसमें सोचने समझने और निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। उत्तरदायित्व स्वीकार करने और पूरा करने की क्षमता और योग्यता एक प्रबंधक में होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, अपने विषय का उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और अनुभव उसके पास में अपने विषय का पर्याप्त अनुभव भी होना चाहिए। ये तो यहां फ्यूल का चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब देखिए, प्रबंध के गुरु पीटर ड्रकर को प्रबंध का गुरु माना जाता है। प्रबंध गुरु के नाम से पीटर ड्रकर को जाना जाता है। इनका कार्यकाल 1909 से 2005 तक माना जाता है। 1909 से 2005 इनका कार्यकाल रहा है। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और 2002 में इनको अमेरिकन राष्ट्रपति के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सन आपको ध्यान में रखनी होगी, 2002 में अमेरिकन राष्ट्रपति पुरस्कार अमेरिकन राष्ट्रपति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्होंने प्रबंध को, प्रबंध के व्यवहार को एक नई दिशा प्रदान की है। ड्रकर ने नव प्रवर्तन को प्रबंध का मुख्य कार्य बताया है। यह याद रखना होगा आपको, ड्रकर ने प्रबंध के कौन से कार्य को मुख्य माना है, तो नव प्रवर्तन कार्य को मुख्य कार्य बताया है। इन्होंने 1980 में एक पुस्तक लिखी थी, मैनेजमेंट इन ट्रिबुलेंट टाइम्स, मैनेजमेंट इन ट्रिबुलेंट टाइम्स नाम से एक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक कब लिखी गई थी? 1980 में, 1980 में। इस पुस्तक में प्रबंध की वर्तमान चुनौतियों का वर्णन किया गया है। 1954 में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की विचारधारा को जोड़ने प्रतिपादित किया, जिसे प्रबंध के जगत में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विचारधारा का प्रबंध में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो बच्चों, ये पीटर ड्रकर का एक परिचय आपसे हुआ, परिचय के बारे में मैंने बताया।
या ध्यान देने की दो तीन बात है आपको संधान में रखना होगा। कौन सी पुस्तक कब लिखी गई थी, पुस्तक का क्या नाम है। कई बार एक नंबर का प्रश्न बनकर यहां से आ चुका है। आज इतनी चर्चा करेंगे, बाकी कल देखेंगे। ओके, थैंक्स बच्चों।